एवरीवन, दिस इज मी अली मीर एंड यू आर वाचिंग कंसर्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन सीडीबी प्रॉपर्टीज के हेड ऑफिस से मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान कवी खान साहब, और मीर एंड कवी गॉसिप सेशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। हम जिस टॉपिक को इस वीलॉग में कवर करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी में टैक्सेस के हवाले से है। बजट 2024-2025 अनाउंस कर दिया गया है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसमें कुछ न्यू इम्प्लीमेंटेशंस भी हुई हैं, कुछ न्यू कैटेगरीज भी डिज़ाइन की गई हैं। और इसके अलावा 7E टैक्सेस के हवाले से, कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से क्या पेश रखते हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। कवि साहब, बजट 2023-2024 लास्ट ईयर आया था और मल्टीपल वीलॉग्स हमारे यूट्यूब चैनल से अपलोड हुए थे, मल्टीपल लोगों को हमने वन टू वन व्हाट्सएप के ऊपर भी तमाम तरह डिटेल्स प्रोवाइड की थी, और मल्टीपल ट्रांजेक्शन के अंदर लोगों को पता चला कि प्रॉपर्टी में अब बाइंग या सेलिंग करेंगे तो फाइलर या नॉन फाइलर केस के अंदर हमें विद होल्डिंग टैक्स या फिर कैपिटल गेन टैक्स जो है वो क्या पे करना पड़ेगा। सो आज 2024-2025 का बजट अनाउंस हो चुका हुआ है, कौन प्रॉपर्टी में टैक्सेस की जद में है और कौन इससे निकल रहा है, ये तमाम तरह चीज़ें कहिए बताइएगा। अली मीर, इस दफ़ा एक ना बड़ी अच्छी चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है जी, जिसमें वो लोग तंग होने वाले हैं जो नॉन फाइलर हैं, ठीक है, और वो लोग भी तंग होने वाले हैं जो लेट फाइलर हैं। ओके, ये लेट फाइलर क्या है? लेट फाइलर जो है ना वो ये है कि जो लोग प्रॉपर्टी बाय करते टाइम ना अपने आपको एट द स्पॉट फाइलर करवा लिया करते थे और उन्होंने कोई भी ट्रांजेक्शन करनी होती थी तो वो उस चीज़ का मजा चखा करते थे जो कि फाइलर अवेल करते थे, ठीक है। लाइक एक बंदा एक अरसे से फाइलर है और अपनी रिटर्न जमा करवाता हुआ है और एक बंदा एट द स्पॉट फाइलर हो गया, ठीक है, तो उसने भी वही तमाम मराज जो है वो ले ली, वही टैक्स स्लैब्स को इंजॉय कर लिया जो एक फाइलर के थे। बिल्कुल, बट अब ये किया है गवर्नमेंट ने जो अभी बजट पेश हुआ है कि भाई आपका एक फाइलर है जो कि रिटर्न जमा करवाते हुए आ रहे हैं, एक आपके लेट फाइलर हैं जो कि एट द स्पॉट होते हैं प्रॉपर्टी लेते टाइम, ठीक है, और एक आपके नॉन फाइलर हैं जो कि हमेशा से नॉन फाइलर हैं, वो अपने आप को फाइलर नहीं करवाना चाहते, ठीक है। अब उनके लिए क्या स्लैब्स किए गए हैं, क्या बने हैं, उसमें बायर साइड भी आती है, उसमें सेलर साइड भी आती है, ठीक है। बायर साइड की बात करें तो बायर साइड को हम कहते हैं 236K, ठीक है, अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है तो उसको हम किस से देख रहे हैं, लाइक 236K का वहां पर लिखा हुआ आता है पोर्शन, मतलब ये सेक्शन है, ये तमाम चीजें वन बाय वन हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो बाइंग या सेलिंग के दौरान आपको ये पता होना चाहिए कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंगली आपके ऊपर कितना टैक्स इंप्लीमेंट हो रहा है और क्या प्रॉपर्टी वैल्यू स्लैब्स हैं इसके ऊपर। तो सेक्शन 236K के अकॉर्डिंगली कभी साहब अभी आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो इन तीन कैटेगरीज, फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर के केस में पे करना पड़ेगा। देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास जो तीन कैटेगरीज बनी है उसमें अगर हम पहले फाइलर की बात कर लेते हैं, ठीक है, फाइलर की बात करेंगे तो, लेकिन इससे भी पहले मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए भी आगे कारामत साबित होगी जब आप अपने क्लाइंट्स को बताएंगे। प्रॉपर्टीज की जो वर्थ रखी गई है ना जिसपे टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन होनी है वो 1 रुपए से लेके 5 करोड़ से नीचे नीचे, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो स्लैब बनाया है उन्होंने वर्थ के हवाले से, वो बनाया हुआ है 5 करोड़ से 10 करोड़ उससे नीचे नीचे, ठीक है, और एक बनाया हुआ है 10 करोड़ से प्लस का, ठीक है। अब पहले मैं फाइलर की बात कर रहा हूँ। फाइलर के अंदर जो पहला स्लैब मैंने आपको बताया है कि वर्थ प्रॉपर्टी की, उसके अंदर 3% चार्ज करेंगे, जो दूसरा मैंने बताया है फाइलर के हवाले से बात कर रहा हूँ उसमें चार्ज करेंगे 3.5%, लाइक 5 करोड़ से 10 करोड़ उसके नीचे नीचे। उसके अलावा जो तीसरा जो उन्होंने बनाया है 10 करोड़ प्लस का, वो बनाया है 4%, ठीक है, और ये विदहोल्डिंग टैक्स की बात, ये विदहोल्डिंग टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगला जो एक और कैटेगरी ऐड की गई है वो है लेट फाइलर की, ठीक है, जो कि एंजॉय करती थी फाइलर वाले मजे, अब वो लोग रुकने वाले हैं, क्यों, अब वो रिटर्न्स भी जमा करवाएंगे, अपने आपको प्रॉपर टैक्स की उसमें लेकर आएंगे और फिर वो टैक्स एंजॉय करेंगे जो फाइलर का है, बट एट दैट टाइम जी अब क्या हो रहा है, अब उनको पहला स्लैब है तो 6% चार्ज होगा, दूसरा है तो 7% और तीसरा है तो 8% जी, ठीक है, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी की बात बताई है। नॉन फाइलर को ना उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी गिरफ्त में किया, ठीक है, वो कैसे किया जी, कि अगर आप वही प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं और वही वर्थ है प्रॉपर्टीज की जो मैंने स्लैब बताए हैं जी, ठीक तो है। एक में आपको 12%, एक में आपको 16%, एक में आपको 20%, लाइक आप 20% तक गवर्नमेंट को टैक्स देंगे विद होल्डिंग टैक्स, ठीक है। इसी तरह अगर हम आगे फर्दर मूव करेंगे तो मैं चाहूंगा कि हम सेलर को भी डिस्कस करें। एग्जैक्टली, सेक्शन 236C के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बताऊं तो ये सेलर लाइबिलिटीज हैं, और इसमें भी रिजवान कवी खान साहब ने जैसे आपको बताया कि तीन स्लैब्स रखी गई हैं प्रॉपर्टी वैल्यू के हिसाब से, 1 रुपए से लेकर 5 करोड़ और 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ और 10 करोड़ से ज्यादा की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें फाइलर केस के अंदर अगर आप सेलर लाइबिलिटीज को देखें जिसमें आपको विदहोल्डिंग टैक्स पे करना है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अकॉर्डिंगली, तो उसमें आपको 3% पे करना है पहली स्लैब में, दूसरी
स्लैब में आपको पे करना है 4% और तीसरी स्लैब में आपको पे करना है 5%। और लेट फाइलर केस जो कि एक न्यू कैटेगरी अनाउंस की गई है उसमें आपको पे करना है 6%, सेकेंड स्लैब में आपको 7% और थर्ड स्लैब में आपने पे करना है 8%। और अगर आप नॉन फाइलर हैं, आपने खुद को FBR के पोर्टल में रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया, आपने किसी भी तरह की कोई रिटर्न अपनी फाइल नहीं करवाई है, तो उस सूरत में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू चाहे 1 करोड़ है, 10 करोड़ है या फिर 10 करोड़ से ज़्यादा की है, उसमें आपको फ्लैट 10% जो है वो चार्ज होगा। बिल्कुल। सो इसी तरह से आपने ये विदहोल्डिंग टैक्स के जो स्केड्यूल्स हैं, जो परसेंटेजेस हैं, वो स्क्रीन पे भी देखे होंगे। सो कवि साहब बताइएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या इंप्लीमेंट किया है 7E टैक्सेस के ऊपर। 7E टैक्सेस के हवाले से बात करें लिमिट, तो ये 2022 के अंदर इंप्लीमेंट हुआ था जी, ठीक है। उस टाइम भी लोगों ने बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी क्योंकि ऑलरेडी बड़े विदहोल्डिंग टैक्स पे किए जा रहे थे, ठीक है। बट फिर हुआ ये कि अगर हम 7E टैक्स की बात करेंगे तो उसको डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर चैलेंज किया गया, जिसमें हमारे पास बलूचिस्तान है, सिंध है और लाहौर हाई कोर्ट है, उन्होंने अपने अपने रिमार्क्स पास किए, बट अल्टीमेटली ये वाला केस चला गया आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ। अब ये केस वहाँ अपील में है, बट उससे पहले अगर बात करेंगे तो जो इंप्लीमेंटेशन हो चुके हैं, लाइक 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उस पर आपका अगर 1% चार्ज किया जा रहा है, तो जो आपका 7E टैक्स बनता है, आप किसी भी सोसाइटी के अंदर बैठे हुए हो, वो आपने पे करना है, यू हैव टू पे। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आएगा, फाइनल फैसला, तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अब क्या हो चुका है, आइदर के सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको उड़ा दिया है कि इसको खत्म किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी लोग जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स बहुत ज्यादा बियर कर रहे हैं और आपने स्लैब्स बना दिए हैं। बट अभी राइट नाउ बात करेंगे तो यही चीज चल रही है, और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि 1% जैसे 7E टैक्स के हवाले से कवि साहब ने आपको बताया कि ये भी रिमार्क्स आ रहे हैं कि 1% अगर चार्ज किया जाए तो या तो इसको कॉस्ट वैल्यू के ऊपर किया जाए या फिर इसको करंट मार्केट फेयर वैल्यू के ऊपर जो है वो चार्ज किया जाए, लेकिन इसके ऊपर अभी डिसीजन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, कैपिटल गेन टैक्स जो कि सेलर लाइबिलिटी के अंदर आता है, लास्ट ईयर का अगर आप स्केड्यूल देखें तो उसमें डिफरेंट जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें आपके प्लॉट्स हैं, जिसमें आपके फ्लैट्स हैं, जिसमें आपकी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, तो उसमें ईयर स्लैब थी जिसमें स्टार्ट जो स्लैब हो रही थी वो 15% से हो रही थी, जिसमें एक वक्त गुजरने के बाद, मतलब 5 या 6 साल गुजरने के बाद, आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो 0% पर चार्ज हो रही थी। मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करें तो उसके ऊपर जो बेनिफिट हुआ आपको, प्रॉफिट हुआ है सेल करते वक्त, तो उसके ऊपर आपको किसी भी तरह का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पेश आती थी। बट अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली कर दी गई है कि अगर आप फाइलर हैं, बिकॉज इसमें दो तरह की कैटेगरीज आ रही हैं, अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% जो है वो अपने प्रॉपर्टी के प्रॉफिट का जो है वो पे करना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को नॉन फाइलर रहते हुए पहले साल के अंदर ही सेल कर रहे हैं तो इसमें ईयर स्लैब अब बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप दूसरे या तीसरे साल में या पाँचवें साल में जाएंगे तो 0% हो जाएगा, बल्कि इसमें ये कर दिया गया है कि पहले साल में अगर आप नॉन फाइलर होते हुए अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो 45% आपने अपनी प्रॉपर्टी के प्रॉफिट का जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करना है। उसके बाद जैसे जैसे साल कम होते चले जाएंगे, पांचवें साल में जब आप कदम रखेंगे और उस वक्त आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहेंगे तो तब भी आपने 15% बींगा सेलर बींगा नॉन फाइलर आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करना है। सो ये वो तमाम तर टैक्सेस और उसकी परसेंटेजेस और कैटेगरीज और 7E टैक्सेस के हवाले से तमाम तर डिटेल्स थी जो 1x1 करके हमने इस वीलॉग में आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप इस तरह की तमाम तर डिटेल्स व्हाट्सएप पे भी चाह रहे हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। याद रखिए कि अगर आप नॉन फाइलर हैं या फिर आप लेट फाइलर हैं तो अब आपको टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। फाइलर जो हैं, जो इससे पहले अपनी रिटर्न्स को प्रॉपर्टी FBR में सबमिट करवाते रहे हैं, फाइल करवाते रहे हैं, कम टैक्सेस पे करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जैसे कवि साहब ने बताया कि ज़्यादातर जो उनका फोकस है वो नॉन फाइलर्स की तरफ है, तो अब आप ख्याल करें कि अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं या फिर सेल करने जा रहे हैं तो इन तमाम स्केड्यूल्स को, इन तमाम स्लैब्स को, इन तमाम परसेंटेजेस को जो है वो आपने रिकॉल करना है, और फिर आपने प्रॉपर्टी के अंदर बाइंग और सेलिंग करनी है। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको डिटेल्स चाहिए, आप टैक्सेस के हवाले से जानना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी में बाइंग या फिर सेलिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप टैक्स फ्री प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। 24/7 कॉल पे भी अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हैं। CDB प्रॉपर्टीज़ के हेड ऑफिस से मुझे और कवि साहब को इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीलॉग में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।